जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी अभी सुबह हो चुकी है, तकरीबन 7:30 हो रहे हैं सुबह के, और यकीन करें इतनी ठंड है ना बाहर इस वक्त, बहुत मतलब ठंडी इस वक्त लग रही है मुझे, सर्दी किस्म की ठंडी हवा लग रही है, क्योंकि कल जो बारिश हुई है उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी धूप भी निकल आई लेकिन स्टिल बहुत सर्दी है बाहर, आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, फर्श बिल्कुल ठंडा यक हुआ हुआ है और जो बाहर हवा है वो तो बहुत ही ठंडी है। फाइनली मैंने फिर बंद करके डोर आ गई अंदर और मैं बस पराठा और चाय बना रही थी, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस बन चुका है पराठा भी। बस मॉर्निंग में आयरा सो रही थी इस वक्त और हस्बैंड अभी तैयार हो रहे थे, तो शुक्र आयरा सो रही है इस वक्त। मौसम इतना चेंज हो चुका है ना बारिश की वजह से कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आयरा साहब अब बैठी पाइप से खेल रही हैं। इस वक्त थोड़ी सी गर्मी लग रही है बाहर की, वक्त थोड़ी थोड़ी गर्मी जितना हो रही है। सुबह के वक्त तो बहुत ही, आज ना बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी यख हवा चल रही थी बाहर, बहुत यख थी, और इसके अलावा फर्श तक फ्लोर इतना ठंडा था ना कि मैं क्या बताऊं। और इस वक्त जो है ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है क्योंकि धूप निकली हुई, सुबह से आज धूप निकली हुई है। मैं तो दुआएं कर रही थी कल के बारिश हो जाए, बारिश हो जाए दोबारा और बारिश हो जाए, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कल बारिश हो गई है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मिट्टी भी ना जैसा ये देखें अब थोड़ी सी बेहतर हो गया, वरना यहाँ पर ज़रा सी हवा चलती थी मिट्टी उड़ी होती थी, अब ये थोड़ी बैठ गई है ना। जी, बेटा आज अंदर आ जाओ, आ जाओ छोनू, आ जाओ नमाज पहले, आ जाओ नमाज पहले, ये बॉटल्स खाली पड़ी हुई हैं, अब कल बंदे ने आना है। तो ये है कि लास्ट टाइम ये हुआ कि उसने बेल नहीं बजाई और हम लोग रखना भूल गए, या बेल बजाई थी आई थिंक, हम लोग सो गए थे आयरन में ना, तो वो आया तो उसने बेल बजाई, फिर हमारी आँख नहीं खुली और वो सारी की सारी बॉटल्स यूँ ही रहेगी हमारी ना। तो फिर ये कि एक बॉटल वो रख गया था खुद ही, तो फिर बाद में ना मेरे हस्बैंड ने उसको कॉल करके बोला, तो वो कह रहा था कि अगर ख़त्म हुई तो चलो मैं दे जाऊँगा, कोई मसला नहीं है वीक डे में भी ना। तो ये थर्सडे को आता है वो और पानी की बॉटल्स दे जाता है, तो अब ये कि इंशाल्लाह कल थर्सडे है, तो ये कि आज रात को ही ना, मैं सोच रही हूँ कि आज रात को सारी बॉटल्स ना बाहर रख दूंगी, ताकि ये कि मॉर्निंग में आए तो हम भूल भी जाएँ, तो चलो पता होगा बॉटल्स पड़ी हैं तो वो जितनी पड़ी होंगी वो बाहर उतनी रख जाएगा। तो ये कि बाहर पहले तो मैं यही करती थी ना, हस्बैंड और हम लोग रख देते थे, लेकिन अब वो ये बात है भूल जाते हैं अक्सर, चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं। पहले स्टूडियो तो सारी बॉटल्स हमारी किचन में पड़ी होती थी, अब थोड़ी गैलरी में रखी हुई हैं। तो चलो कल इंशाल्लाह बेहतर है कि आज रात को मैं बाहर ना रख दूंगी बॉटल्स याद से, ताकि वो जो है ना ले जाए। ये देखिए मेरा बच्चा सफाई करने लगे, माशाल्लाह कितना अच्छा बच्चा है, अल्लाह ताला हदायत दे दी सफाई के लिए, खूब सफाई के लिए, ज़्यादा सारी सफाई के लिए, छोना बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। बैठ के सफाई करते हैं जी, बैठ के करते हैं सफाई। कल रात को काफ़ी इस बेचारी को इचिंग हो रही थी, फिर मैंने पहले इसको मेडिसिन वगैरह जो लगाती हूँ वो लगाई, लेकिन ये कि उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर इसको एलर्जी की दवाई दी तो वो फिर इसने पी है, लेकिन फिर भी कह रही थी। फिर मैंने ना वो रेमेडी मैंने देखी थी गूगल पे कि आप जी ओट्स का जो पानी है ना, ओट्स भगो के रख दें और पानी जो है ना वो दें, उसे नहलाएं आप ना, तो मैंने खैर यूँ ही किया था, पानी भगो के रखा हुआ, तो वो थोड़ा थोड़ा लगाती रही तो काफ़ी बेहतर इसकी इचिंग में काफ़ी फ़र्क आया। तो लेकिन ये कि ड्राइनेस के लिए फिर मुझे वही बात है कि कुछ ना कुछ लगाना ही है, तो ड्राइनेस के लिए तो लगाऊंगी, लेकिन इचिंग में काफ़ी फ़र्क इसको आता है, जैसे ही लगाती हूँ ना तो उसके 5 मिनट बाद ये सुकून में बेचारी आ जाती है। आ जाओ आयरा अंदर। तो ये कि आयरा साहिबा भी बड़े से मज़े से ना बैठी हुई हैं बाहर, कल मैंने ये वाली विंडो भी ओपन कर दी थी, कल यहाँ से भी ना इतनी ज़्यादा ठंडी हवा और चल रही थी, मैं क्या बताऊँ, बड़ा मज़ा आया कल तो। ये देखें जी, ये बच्चा मेरा बहुत सफाई पसंद है, सुबह शाम जो है कभी वाइपर पकड़ती है, कभी ब्रश पकड़ के सफाई करती है। तो ये कि वाकई नो डाउट वही बात है, आप बच्चों के सामने जो करेंगे, लेसन ऑफ द डे ये है कि जो बच्चों के सामने आप करेंगे बच्चों ने वही करना है, तो बेहतर है कि उनके सामने अच्छे काम करें, उनको उनके सामने घर साफ सुथरा रखें, सब कुछ अच्छा करें, ताकि वो भी सफाई करें, वो भी वो चीज़ सीखें। तो ये आयरा ये कि मैं अगर ब्रश करती हूँ, मॉप मारती हूँ, तो आयरा साथ साथ वो चीज़ सीखती है और वो जो है ना करने की कोशिश करती है। ये देखें बैठी हुई है, बड़े मज़े से बैठी हुई है और मैडम ये ब्रश करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों के सामने जो है काम शाम करें और घर को साफ सुथरा रखें, ताकि बच्चे भी वो चीज़ सीखें, उन्हें घर साफ रखने की आदत रहे, क्योंकि अगर आप घर साफ नहीं रखेंगे तो बच्चा तो बिल्कुल भी, वही बात है, बच्चा वही चीज़ सीखेगा, वही चीज़ अडेप्ट करेगा, उसे गंद में रहने की आदत हो जाएगी। तो बेहतर ये कि घर को साफ सुथरा रखें, एक एक चीज़ क्लियर रखें, ताकि बच्चा जो है वो चीज़ सीखे, और वो ये बात है कि घर को वो भी साफ रखे और उसे पता हो कि मैंने आगे भी अपने जहाँ पर भी रहना है उस चीज़ को साफ सुथरा रखना है बस। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है 5 बजने वाले हैं और आज 5 बजे ही देखें आप कितना जो है, तकरीबन मेरे ख्याल में 5:45 के करीब जो है, 5:30 के बाद जो मगरिब हो रही होती है,
तो अभी आप देखिए कितना फ्रेश लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा व्यू है, बादल भी है और ठंडा ठंडा मौसम है। तो ये है कि पाकिस्तान में तो खैर बहुत ठंड है, लेकिन इधर ठंड इतनी नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी फ्रेश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश के बाद बहुत फ्रेश हो गया है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सनसेट, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस मगरिब होने वाली है, थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी मैं हमें आधे घंटे बाद। तो ये कि अब सूरज डूब रहा है और ये देखें बहुत ही अमेजिंग फ्रेश किस्म का मौसम है। आज इतने बार प्यारे से बादल है ना कि बार बार जो है ना मुझे कैप्चर करना पड़ रहा है, ये देखें आप। और जो जो इफ़ेक्ट रियल में है वो तो कैमरे में आ ही नहीं सकता ना, वो बहुत खूबसूरत है। ये देखें कितने प्यारे बादल आए हुए हैं, होपफुली अल्लाह करे कल फिर बारिश हो, यही उम्मीद करते हैं। वो देखिए प्लेन जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना सर व्यू बना हुआ है, इतना फ्रेश कि क्या बताऊँ। देखिए प्लेन गुजर रहा है, आयरा जो है ना बोर होती है खड़े होकर देख रही है। देखिए अल्लाह का शुक्र है काफी मौसम काफी अच्छा है यहाँ पर। माय नेबर्स में एक जो है अंकल रहते हैं, वो माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी हैं। वो देखिए वो मस्जिद जा रहे हैं 5 वक्त, मैं इनको देखती हूँ कि हर वक्त मतलब जब नमाज का टाइम होता है ये मस्जिद जा रहे होते हैं। मुझे बिल्कुल अपने अबू याद आ जाते हैं, क्योंकि अबू भी ना माशाल्लाह से मेरे 5 वक्त के नमाजी हैं, 5 वक्त मस्जिद जाते हैं। और ये बहुत बड़ी सआदत होती है, अल्लाह ताला हर एक को नसीब करे, हर एक को तौफीक दे, नेकी पे रखें। आरा देख रही है नीचे, ये जो लेडी हैं ये अपने बेबी को लेके जा रही है, ये भी यकीन नेबर्स में रहती होंगी। आरा देख रही है खामोशी से, आरा को मैंने बात दे दिया था आज जल्दी, मैंने कहा चलो प्लीज़ फ्रेश हो जाए, तो ये अब खेल रही है। मैं भी बस अभी आज किचन में जाना है, मैंने भी जाके खाना बनाना है, ये कि बाकी सब कुछ मैंने काम कर लिया अपना ख़त्म, सब खाना बनाना रह गया। फ्रेश बिरयानी बनाऊंगी आज इंशाल्लाह। ये देखिए ये स्ट्रीट लाइट भी ऑन होगी, और इसका बड़ा एडवांटेज है हमें यहाँ पर जब भी खड़े होना होता है ना हमें बिल्कुल भी अपनी लाइट नहीं ऑन करना पड़ती है, इसकी लाइट डायरेक्ट हमारी गैलरी में आती है, ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है। ये देखें माशाल्लाह से मस्जिद कितनी प्यारी है और कितनी प्यारी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट वही बात है, मस्जिद को देख के सुकून आता है इंसान को, और वही बात है नमाज़ पढ़ने जाए फिर तो क्या ही बात है। और अल्लाह हम सब मुसलमानों को तौफीक अता करे कि हम मस्जिद जाएं, नमाज़ पढ़ें और नेकी करें। और वही बात है कि जो नमाज़ पढ़े उसमें अल्लाह हमें हमारे दिलों को नरम करे, हमारे दिलों को बदले, हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बल्कि सुबह आमीन। तो ये बहुत पीसफुल लगता है,